नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अल्काइल एंड अराइल हैलाइड से जुड़े नेमिंग रिएक्शन। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अल्काइल एंड अराइल हैलाइड होते क्या हैं। तो जो अल्काइल है हमारे पास, यानी अल्काइल हैलाइड्स, तो अल्काइल ग्रुप्स मीन, यानी हमारे पास अगर कोई CH4 यानी मिथेन है, अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्काइल ग्रुप में। और हैलाइड मीन्स कोई हैलोजन, कि अगर कोई हैलोजन इसके साथ ऐड हो जाएगी, उसको हमने एक्स मान लिया, तो ये हमारे पास बॉन्ड बना देगा CH3 और एक बॉन्ड इसके साथ, तो ये हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड हो गया। इसको जर्नल में हम रिप्रेजेंट करते हैं R(X) से, वेयर एक्स इज द अल्काइल ग्रुप। नेक्स्ट हमारे पास अराइल हैलाइड। अब अराइल ग्रुप कौन से होते हैं? अराइल ग्रुप के लिए हमारे पास एक जर्नल फार्मूला है CnH2n+1 × X। ये जो है जर्नल फार्मूला रिप्रेजेंट करता है अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड वो ग्रुप होंगे जिनमें जो हेलोजन एटम है हमारे पास, हेलोजन अटैच होगा कार्बन के साथ, और कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp2। इट मीन कि वो या तो बेंजीन रिंग के अंदर प्रेजेंट होगा, या वो किसी साइक्लिक कंपाउंड में प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप बेंजीन रिंग ले लोगे तो यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और जो कार्बन एटम हर एक कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट है वो sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। इट मीन्स कि जो अल्काइल हैलाइड है वो इन्हीं के साथ बॉन्ड बनाएगा। अगर यहाँ से कोई हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी और एच जो है, या जो सॉरी जो हैलाइड्स हैं, यानी कोई भी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन यहाँ पे अगर ऐड होगा तो वो अराइल हैलाइड फॉर्म करेगा। तो आई होप आपको अल्काइल एंड अराइल हैलाइड क्या होते हैं ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। जो अल्काइल हैलाइड है वो हमारे पास नॉर्मल अल्काइल ग्रुप होगा, और जो अराइल हैलाइड है उसमें जो हमारे पास हैलोजन होगी वो अटैच होगी उस कार्बन एटम के साथ जिसके पास, या जो कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज होगा। तो आइए अब नेमिंग रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट नेमिंग रिएक्शन है। ये नेमिंग रिएक्शंस काफ़ी ज़्यादा जरूरी हैं क्योंकि मैक्सिमम टाइम इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास ग्रुप्स प्रोसेस। ग्रुप प्रोसेस भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी नेमिंग रिएक्शन है। इसमें हम जो है वो अल्काइल अल्कोहल लेते हैं, कोई भी अल्कोहल अटैच होगा, आर रिप्रेजेंट जर्नल फार्मूला, तो हम इसको ट्रीट करते हैं HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक डाई क्लोराइड के साथ। जब ये ROH ट्रीट करेगा HCl एंड एनहाइड्रस जिंक डाइक्लोराइड के साथ, तो ये अल्काइल हैलाइड फॉर्म करेगा। RCl जो यहाँ से H पॉजिटिव है वो रिमूव हो जाएगा। ये जो HCl है हमारे पास, ये H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा, तो जो नेगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव के साथ अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस H2O। तो ये एक सिंपल भी है और काफ़ी ज़रूरी भी है। इसमें जो ROH ग्रुप है उसने रिएक्शन किया है HCl एंड एनहाइड्रस जिंक डाइक्लोराइड की प्रेजेंस में, और यहाँ पे अल्काइल हैलाइड फॉर्म हुआ है हमारे पास। तो ये एक रिएक्शन हो गया अल्काइल हैलाइड का। ये हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन हो गई ग्रुप प्रोसेस। मैं आपको रिएक्शन को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके करवाऊंगा, जिससे कि इनको भूलना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डार्जन प्रोसेस। ये रिएक्शन भी ग्रुप प्रोसेस की ही तरह है। इसमें भी हम अल्काइल अल्कोहल लेंगे उसको हम, मगर जो यहाँ पे हम कैटलिस्ट और जो सॉल्वेंट यूज़ करेंगे वो डिफरेंट होगा। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे SOCl2
इन द प्रेजेंस ऑफ पिराडीन, इन द प्रेजेंस ऑफ पिराडीन। तो यहां पे हम डिफरेंट जो कैटलिस्ट एंड सॉल्वेंट है वो यूज कर रहे हैं। तो यहां पे हमने जो आर ओ एच है और इन द प्रेजेंस ऑफ एस ओ सी एल टू, इन द प्रेजेंस ऑफ पिराडीन, तो यहां पर भी हमारे पास अल्काइल हैलाइड बनेगा। और इस रिएक्शन की एक खूबी ये भी है कि इसमें बाई प्रोडक्ट बनते हैं और इससे अल्काइल हैलाइड बनाना सबसे इजी है, क्योंकि आप देखोगे जो बाई प्रोडक्ट बने हैं वो इजली यहां से रिमूव हो जाएंगे और जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड बना है वो यहीं पे रह जाएगा। सो हमारे पास एक एक्सेप्शन आ गई, यूज ऑफ एस ओ सी एल टू एंड पिराडीन, ये एक वेटर रिएक्शन है एज कंपेयर टू ग्रुप प्रोसेस। अब इन दोनों को आप कंपेयर करके याद कर सकते हो। कैसे करोगे याद? आप इनका एक इस लेटर में इनको याद कर सकते हो जी डी, क्योंकि दोनों के दोनों अल्काइल हैलाइड फॉर्म कर रहे हैं। जी से आपके पास ग्रुप्स प्रोसेस एंड डी से डार्जन प्रोसेस। दोनों के दोनों में आपने अल्काइल अल्कोहल लिया और उसको ट्रीट किया डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट के साथ। यहाँ पे आपने एस सी एल एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक डाइक्लोराइड लिया था और यहाँ पे आपने एस ओ सी एल टू इन पिरिडीन लिया था। बना आपके पास दोनों में एक ही प्रोडक्ट था, मगर ये जो डार्जन प्रोसेस है वो बेटर थी एज कंपेयर टू ग्रुप प्रोसेस, क्योंकि ग्रुप प्रोसेस में जो बाई प्रोडक्ट बना था वो वाटर था, मगर यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट बने हैं वो है एस ओ टू एंड सी एल टू, जो कि इजिली यहाँ से एस्केप कर सकते हैं। तो आप इसके माध्यम से इसे याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस या डाउस रिएक्शन, ये रिएक्शन काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये यूज किया जाता है फिनोल बनाने में। मैक्सिमम टाइम इंडस्ट्रियल एरिया में भी काफी ज्यादा अमाउंट में अगर हमें फिनोल फॉर्म करना हो, क्योंकि फिनोल हम काफी ज्यादा यूज करते हैं लेबोरेटरी में एज ए सॉल्वेंट भी, तो डाउस प्रोसेस यूज की जाती है। इसमें हम बेंजीन क्लोराइड यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, मगर इसकी कंडीशन होती है कि इसको काफी ज्यादा टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर यूज करना पड़ता है। तो इसका जो हम प्रेशर लेते हैं वो 300 एटीएम होगा, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है हमारे पास वो तो 1 एटीएम लेते हैं हम, मगर जो यहाँ पे हम लेंगे टेम्परेचर 623 केल्विन एंड जो प्रेशर लेंगे वो लेंगे 300 एटीएम। तो उसमें जो ये सी एल है यहाँ से रिमूव हो जाएगा और जो ओ एच है वो यहाँ पे अटैक कर देगा। तो एन ए सी एल हमारे पास यहाँ से सेपरेट हो जाएगा और नेक्स्ट जो है वो ओ एच यहाँ पे लग जाएगा, तो ये हमारे पास फिनोल फॉर्म कर देता है। ये क्वेश्चन काफी टाइम पूछा जाता है कि हम डाउस प्रोसेस यूज क्यों करते हैं, सॉरी ओ एच, तो ये यूज करते हैं हम फिनोल बनाने में। यहाँ पे हमने जो बेंजीन क्लोराइड लिया, या हम इसे क्लोरो बेंजीन भी बोल सकते हैं, क्लोरो बेंजीन हमने यहां पे लिया क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एट टेम्परेचर 623 केल्विन इन 300 एटीएम प्रेशर, तो हमारे पास जो है वो फिनोल फॉर्म हो गया। ये हमारे पास फिनोल बन गया यहां पे। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास फोर्थ वन, फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन जो है वो आप कंपेयर कर सकते हो उसको बूट्स रिएक्शन के साथ, क्योंकि ये सेम है बूट्स रिएक्शन की तरह। जिस तरह हम बूट्स रिएक्शन में कोई भी अल्केन यूज करते हैं और उसे उसके जो रिजल्ट आएंगे वो डबल होते हैं, इट मीन हम अगर सिंगल कार्बन ये सॉरी डबल कार्बन लेंगे तो जो हमारे पास प्रोडक्ट आता था उसमें उसके डबल कार्बन एटम प्रेजेंट होते थे,
तो यहाँ पे भी फिटिंग रिएक्शन में हम बेंजीन यूज लेंगे, यानी क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे हम लेंगे क्लोरोबेंजीन, मगर यहाँ पे हम इसके टू मॉलिक्यूल्स लेंगे। और जिस तरह बुड्स रिएक्शन में मेटल यूज करते थे सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, यहाँ पर भी हम यूज करेंगे सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, देन वी विल गेट अ बाई प्रोडक्ट। इट मीन कि हमारे पास बनेगा C6H5 प्लस 2NaCl, जो ये प्रोडक्ट है वो यही है। इसको आप कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये इस तरह से इसने बाई प्रोडक्ट फॉर्म किया है यहाँ पे। तो ये है फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन भी टू टाइप्स की हमारे पास, फर्स्ट हो गई नॉर्मल ये फिटिंग रिएक्शन, एंड नेक्स्ट हमारे पास बुड्स फिटिंग रिएक्शन। दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये हमारे पास फिटिंग रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट आ गई हमारे पास वुड्स फिटिंग रिएक्शन, इसमें भी हम क्लोरो बेंजीन लेंगे और उसे ट्रीट करेंगे सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ CH3Cl और ड्राई इथर में। यहाँ पे हमारे पास केवल एक ही जो कंपोनेंट है वो चेंज हुआ, वो है CH3Cl, बाकी जो है सेम एज इट इज है। मगर यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बना था वो बना था टू बेंजीन रिंग कलेक्ट हो चुकी थी और क्लोरीन रिमूव हो गया था, मगर जो यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड बनेगा वो हमारे पास बनेगा यहाँ से जो Cl है वो रिमूव हो जाएगा, मगर हमने यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का एक ही मॉलिक्यूल लिया था, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा वो बनेगा मिथाइल बेंजीन, एक मिथाइल ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाएगा, और इसका जो कॉमन नेम है वो है टॉलवीन। इसका जो कॉमन नेम हमारे पास आ गया वो होता है टॉलवीन, और ऐसे ही इसको बोलेंगे मिथाइल बेंजीन। तो यहाँ पे हमने क्लोरो बेंजीन से फॉर्म किया मिथाइल बेंजीन यानी टॉलवीन। तो ये टॉलवीन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये मेथड भी काफ़ी ज़रूरी है। आप देखोगे एग्जाम में कि आपको डायरेक्ट या तो ये फॉर्म दिया होगा, आपको ये बताना होगा कि इसका बनेगा क्या, या आपसे डायरेक्ट पूरी रिएक्शन दी होगी, आपको ये बताना होगा कि ये रिएक्शन कौन सा है। तो आज हमने पूरे 5 रिएक्शन पढ़े अल्काइल एंड अराइल हैलाइड्स के। फर्स्ट हमने पढ़ी ग्रुप प्रोसेस, उसके बाद पढ़ी डार्जन प्रोसेस, उसके बाद हमने पढ़ी डॉज प्रोसेस, फिटिंग रिएक्शन एंड बुड्स फिटिंग रिएक्शन। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गई होगी। इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।